नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? प्रिय दोस्तों, मैं ओप यादव रियल टाइम उपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई, सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और साथियों, अपडेट कुछ इस प्रकार की है कि हरियाणा के अंदर जो डीएलएड का कोर्स होता है, बीएसटीसी का कोर्स होता है, जेबीटी का कोर्स होता है, जिसको बच्चे डीएड के नाम से भी जानते हैं, साथियों 2020 से 2022 सेशन के 2 से 3 बार फार्म भरे जा चुके हैं। उसके बाद भी कुछ एक कॉलेजेस की सीटों की जो संख्या है वो खाली रह गई, जिस चीज़ को देखते हुए हरियाणा डीएड की तरफ से फिर से एक बार एडमिशन्स का जो पोर्टल है उसको ओपन किया गया है फोर्थ काउंसलिंग के लिए। 2020-22 के सेशन में इन विद्यार्थियों का एडमिशन होने वाला है। तो भाई, आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहो तो अपना साल बचा सकते हो। कोई भी बच्चा, चाहे हरियाणा प्रदेश का हो, बाहर स्टेट का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कहीं का भी छात्र क्यों ना हो, यदि वो ये चाहता है कि भाई मैं अपना डीएलएड का या फिर बीएसटीसी का कोर्स करके अपनी एक साल बचा लूँ, जो 2020 में कोविड-19 की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से इतनी देरी तक एडमिशन चल रहे हैं, तो भाई आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है और आप चाहो तो इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो। साथियों, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है और आप देखोगे यहाँ कि आज यानी कि 16 फरवरी 2020 का जो न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उस न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल है उसको दोबारा से ओपन कर दिया गया है। फार्म भरने का जो सिलसिला है 17 फरवरी से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि इसकी 24 फरवरी 2021 रखी गई है। ऑनलाइन फार्म भरना होगा, फार्म भर के कॉलेज की चॉइस लेनी होगी। जनरल कैटेगरी के बच्चे को 500 रुपये और 80 या बीसी कैटेगरी कोई हरियाणा का स्टूडेंट है तो उसको 250 रुपये फीस पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथियों, उसके बाद चलेगा काउंसलिंग का शेड्यूल। 10th राउंड का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि 27 तारीख को इसके लिए जो कॉलेज वाइज लिस्ट है 27 तारीख को जारी कर दी जाएगी 3 बजे के बाद में। और उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर है प्रोविजनल, वो 27 तारीख को ही जारी कर दिया जाएगा। 27 से 3 मार्च के बीच का समय आपके पास रहेगा। जिन जिन विद्यार्थियों का लिस्ट में नाम आएगा उन सभी छात्रों को अपनी फीस जमा करानी है। उसके बाद बचे हुए विद्यार्थियों के लिए फिर से एक बार लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उसके लिए एक नई जो लिस्ट है उसको जारी किया जाएगा। लिस्ट जारी करने के बाद 5 मार्च से लेकर वो बच्चे 8 मार्च तक अपना जो कॉलेज है उसमें फीस जमा करवा के अपने एडमिशन को बिल्कुल निश्चिंत कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे और अपनी जो एक साल की पढ़ाई है उसको बचा पाएंगे। क्योंकि साथियों, जो फर्स्ट ईयर है उसके एग्जाम आपके मई या जून माह में 2021 में हो जाएंगे। फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल और मई, 2 से 2.5 महीने बाद आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद आप चाहो तो रीट का एग्जाम दे सकते हो, एचटेट का एग्जाम दे सकते हो, सीटेट का एग्जाम दे सकते हो, अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी आपके टीचर एलिजिबिलिटी के लिए टेस्ट होते हैं जॉब करने के लिए वो आप दे पाओगे, उस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और भाई, कोई अदर स्टेट का छात्र है जिसको हरियाणा प्रदेश से अपना डीएलएड का या बीएड का कोई भी कोर्स करना है, उसको कॉलेज की चॉइस करने में कोई परेशानी आ रही है, तो भाई नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, हम आपका एडमिशन करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। जो भी आपको कॉलेज अवेलेबल करवाएंगे सब कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का यहाँ सामना नहीं करना पड़ेगा। समय रहते आपको ये सब करना होगा, यदि समय के बाद आप करोगे अंतिम तिथि निकल जाएगी, आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। फीस की यदि मैं बात करूं तो भाई फीस जो रहने वाली है डीएलएड के कोर्स की 25,800 रुपये आपकी 1 ईयर की फीस रहेगी और जो रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपये अदर स्टेट के और जनरल कैटेगरी के छात्र को और 80 या फिर बीसी के छात्र को 250 रुपये अलग से पे करना होता है। तो भाई फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप चाहो तो बिल्कुल आसानी से अपना जो डीएलएड का कोर्स है उसमें दाखिला ले सकते हो। बीएड के भी दाखिले कुछ कॉलेजेज में चल रहे हैं, कोई छात्र बीएड में एडमिशन लेने का इच्छुक हो तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। और भाई, भविष्य के अपडेट्स के लिए आज ही रियल टाइम उपेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई नई अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके और आप इस चीज़ का कंटिन्यू लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।